रोड पे नाव चल रही है, बड़े बूढ़े बेचारे रोड पे इसी पे बैठ के जा रहे हैं। दोस्तों हमारे शाहजहांपुर का हाल आप देख सकते हैं क्या हो गया, पानी पानी चारों तरफ, मैं खुद पानी में घूम रहा हूँ। कितनी जोर, इस साइड तो बहुत पानी है, छोड़ देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये उधर नदी है, सारा ट्रैफिक उधर से जा रहा है, इधर से कोई निकली नहीं रहा डर के हमारे। शाहजहांपुर की हालत बस से बदतर हो गई है। मैडम जी वीडियो बना रही है अंदर, ये देखिए कितना पानी है, पानी पानी, बाढ़ आ गई शाहजहांपुर में। इधर फर्नीचर का दुकानें थी, पुराना फर्नीचर बिकता था, सब तहस नहस हो गया। ये देखिए क्या हालत है यहाँ की, उधर पुल के ऊपर भी पानी भरा, वो भी दिखाते चल के। तो ये देखिए दोस्तों पुल का सीन है, और मैंने अभी आपको वहाँ आगे का सीन दिखाया था, और ये घरों की हालत देखिए क्या हो गई है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। पूरे पूरे घर जो पानी में डूबे पड़े हैं। क्या हालत है, भयंकर वाला सीन है। वो घर कितना वीआईपी बना, वो भी पूरा डूब गया पानी में। ये देखिए उधर भी पानी बहुत भरा हुआ है, लोग वीडियो बना रहे हैं रुक रुक के। ये देखिए हमारे शाहजहांपुर का सीन है। ये देखिए मैं दूसरी रोड पे आ गया हूँ, यहाँ भी पानी भरा है, मोटरसाइकिलें बंद हो गई, यहाँ जा नहीं पाई गाड़ी, आगे बहुत पानी भरा हुआ है। चाबी निकाल लगा चलें आगे तक, फिर गाड़ी ही खड़ी रहने दो। ये देखिए ये मैरिज लॉन है, इसमें पानी घुस गया है, मैं पानी में चल रहा हूँ, ये सब डूब गए ओके खोके। ये देखो कितना पानी भर गया है, सत्यम एम्पीरिया के अंदर भी पानी भर गया है, वो देखो। अरे आगे तो ज़्यादा पानी है भाई, घुटनों से ऊपर पानी है। ये इधर घर बने ये भी सब डूब गए, क्या हुआ वो भी दिखा देता हूँ आपको चल के। ये देखो ये मैरिज लॉन के अंदर पानी नहीं गया बस। मेरे घुटनों तक पानी है, वो देखो नहाने लगे। देख वो देखिए दोस्तों नाव चल रही रोड पे, ये देखिए, और ये देखिए डिवाइडर इतना ऊंचा है, करीब 3.5 फीट का डिवाइडर है, और पूरा फिर साइकिल भी डूब गई। ये देखो सामने नाव, क्या ये कंटेनर भर गए वो ला रहे हैं, सब डूबा जा रहा है। देखो कितना पानी रोड के ऊपर चल रहा है, ये पूरा रोड ही रोड है। सामने भाई साहब की मोटरसाइकिल बंद हो गई है, मेरा बाबू जी नाव चल रही है रोड पे।
रोड पे नाव चल रही है,